नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों पीईटी e. 2022 के लिए हिस्ट्री की लगातार जो क्लास जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य यह जो टॉपिक आपका है पी ई e. के सिलेबस में दिया गया है तो आज से हम मुगल साम्राज्य के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बन सकते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट एम बन सकते हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे लगभग दो से तीन वीडियो में आपका टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो यह हमारा पहला वीडियो है। वीडियो है चलिए को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज के इस पार्ट वन में मुगल साम्राज्य के हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न तो 1526 सो ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा लोदी वंश लोदी वंश का शासक कौन था इब्राहिम लोदी। तो 1526 सो ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 में तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा लोधी वंश के शासक को पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था इसी युद्ध से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना भी होती है भारत में तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इक्कीस अप्रैल 1526 को ऑप्शन आपका भी यहां पे बिल्कुल सही है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आपका पानीपत का, पानी का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और इसी युद्ध में जो है बाबर के द्वारा जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भी कर दी जाती है तो इसके बारे में आपको याद रखना है जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तो उस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था तो उस समय राजा था कौन लोधी वंश का शासक कौन था तो इब्राहिम लोधी था तो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य यह पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से पराजय होती है और इस युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न आपके हैं अगला प्रश्न आपके सामने है भारत बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति इसको हम तुलगुमा नीति को तुलगुमा युद्ध पद्धति के नाम से भी जानते हैं तो इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किस युद्ध में किया था तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का जो प्रयोग है सर्वप्रथम बार किस युद्ध में किया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इस युद्ध नीति का तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा तथा बाबर के द्वारा सर्वप्रथम बार तोपों का इस्तेमाल भी इसी में किया गया था तथा बाबर के दो तोपची इसमें कौन थे तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां बाबर के दो तोपची थे इसी युद्ध में तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न है अगला प्रश्न आपके सामने है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुँह जो है मुँह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई तो बाबर को कलंदर की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद दी गई थी तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा शेर शाह सूरी, सूरी के द्वारा आप याद कर लीजिएगा भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की जो निर्माण है यह शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी आपको पता होगा बीच में कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य का जो शासन था वह हट जाता है जब हुमायूं का शासन होता है ना जब हुमायूं सत्ता पर बैठता है बाबर के बाद जब हुमायूं सत्ता पर बैठता है तो हुमायूं और शेर शाह के मध्य कुछ युद्ध होते हैं जिनमें शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था तो कुछ समय के लिए भारत पर शेर शाह सूरी भी शासन करता है पंद्रह से लेकर लगभग पंद्रह तक शेरशाह सूरी का शासन रहता है तो इस समय तक हमयूँ जो है कहीं छिपा रहता है बाद में युद्ध होता है जिसमें बाद में आपका युद्ध होता है एक सरहिंद का युद्ध होता है उसी सरहिंद के युद्ध में बाबर जीत जाता है और पुनः जो है बाबर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो कुछ समय के लिए जो है शेर शाह सूरी भी शासन करता है दिल्ली पर तो इसके बारे में आपको याद रखना तो इसी शेर शाह सूरी के द्वारा ही जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की जो है निर्माण भारत में की गई थी इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है और अगला प्रश्न आपके सामने है गुजरात विजय की याद में जो है अकबर ने किस निर्माण करवाया था गुजरात विजय की याद में अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था तो आप याद कर लीजिएगा गुजरात विजय की याद में जो है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था कहाँ पर यह बुलंद दरवाजा है तो आपको फतेहपुर सिकरी में मिलेगा बुलंद दरवाजा मैंने युद्ध आपको नहीं बताया है जो बाबर और शेरशाह सॉरी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बद लड़े गए थे आ, कुछ युद्ध जो बाबर सॉरी बाबर का नाम आ जा रहा है यहाँ पे कुछ युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़े गए थे मैं आपको बता देता हूं आपसे डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं तो पहला युद्ध आप याद रखिएगा चौसा का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया इनके बारे में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चौसा का जो युद्ध तया कब होता है चौसा का युद्ध होता है पंद्रह ईस्वी में बाबर और सॉरी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो है चौथा चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी जीत जाता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि चौथा चौसा का जो युद्ध था पंद्रह ईस्वी में हुआ जिसमें शेरशाह सूरी जीतता है और हुमायूं हार जाता है फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है 1540 ईस्वी में इसको हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको हम कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं यह आपका 1540 में होता है अगेन इस युद्ध में जो है शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और इस युद्ध में हारने के बाद जो हुमायूं था वह अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ भाग गया तो इसके बारे में आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंट ये दो युद्ध बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं तो इनको आपको याद रखना है चौसा का युद्ध पंद्रह कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पंद्रह ये दोनों युद्ध आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होते हैं और दोनों युद्ध में आपका जो हुमायूं था वह बुरी तरह से हार जाता है इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है गुजरात बीजे को हमने देख लिया है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी को किसने लिखा है आईने अकबरी को किसने लिखा है तो आईने अकबरी को किसने लिखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी को लिखा गया है तो ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में होता है आपको पता होगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध था यह पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में हुआ तो इस युद्ध मतलब यह जो युद्ध था किसके बीच हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमू के मध्य होता है तथा इसमें हेमू बुरी तरह से पराजित हो जाता है और इसी युद्ध के बाद जो अफगानों की सत्ता थी वो पूरी तरह से भारत से समाप्त हो जाती है पानीपत के दूसरे युद्ध में हारने के बाद जो अफगान थे उनकी जो सत्ता थी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और तथा तो यह जो आपका द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था और हेमू इसमें पराजित हो गया था काफी इंपॉर्टेंट है अकबर ने कब से कब तक शासन किया था कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो पंद्रह से लेके पंद्रह से लेकर सोलह ले ईस्वी तक जो है अकबर शासन करता है तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न आपके सामने है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अकबर के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी चांद बीबी आपको बताना है तो चांद बीबी का संबंध हो जाएगा अहमदनगर से ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अहमदनगर राज्य से संबंधित थी चांद बीबी अगला प्रश्न आपके सामने है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी मनसबदारी व्यवस्था को किसके द्वारा शुरू किया गया था आपसे पूछा जा रहा है तो अकबर के द्वारा आप याद कर लीजिएगा अकबर के द्वारा जो है मन सबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ऑप्शन जो आपका यहां पे दिया गया है ना अकबर वाला बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था आपसे पूछा जाए तानसेन का संबंध किसके दरबार से है तो तानसेन का जन्म सबसे पहले आप जान लीजिए ग्वालियर में हुआ था तानसेन का वास्तविक नाम क्या था राम तनु पांडे था कई बार एग्जाम में पूछ लिया था तानसेन का वास्तविक नाम क्या था तो तानसेन का वास्तविक नाम था तान सेन का वास्तविक नाम क्या था तो राम तनु पांडे बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है तथा ग्वालियर में जन्म हुआ था तानसेन का तथा तानसेन किसके दरबार से संबंधित थे तो तानसेन का संबंध हो जाएगा अकबर के दरबार से तो इसके बारे में आपको याद रखना है आपको पता होगा अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे ये नवरत्न कौन कौन से थे मैं आपको बता दे रहा हूँ उन नवरत्नों में से एक था तानसेन आपको पता होगा तो पहले थे आपके अबुल फजल दूसरे हो जाएंगे फैजी तीसरे हो जाएंगे तानसेन चौथे हो जाएंगे बिरबल इसके बाद पाँचवें हो जाएंगे टोडरमल छठे हो जाएंगे राजा मान सिंह सातवें हो जाएंगे रहीम खाने खाना आठवें हो जाएंगे फ़कीर अजीउद्दीन और नौवें हो जाएंगे मुल्ला दो प्याजा ये नौ रत्न रहते थे अकबर के दरबार में जिनमें से एक थे आपके तानसेन जिसके बारे में आपको याद रखना है तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे अगला प्रश्न आपके सामने है मुगल काल की राजभाषा यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है क्या थी मुगल काल की राजभाषा क्या थी तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा फारसी अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था सती प्रथा की भर्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था तो अकबर के द्वारा जो है सती प्रथा की भर्सना की गई थी ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अकबर के द्वारा इसके बाद अगला प्रश्न है किस युद्ध ने और किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी तो मैंने आपको बताया था पहले ही प्रश्न में पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसी के बाद जो है इसी युद्ध में जीतने के बाद जो बापर था उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो इसके बारे में आपको याद रखना है मुगल चित्रकाली किसके शासनकाल में अपने चरम पंति आपसे पूछा जा रहा है तो जहांगीर आप याद कर लीजिएगा जहांगीर का जो शासन काल था 1605 से लेकर 1627 के, के मध्य 1605 से लेके 1627 के, के मध्य जो है जहांगीर मुगल शासक था और इसके शासन काल में जो है जो मुगल चित्रकारी थी वह अपने चरम पर थी इसके शासन काल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है और इसके काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहा जाता है यानी कि स्थापत्य कला एकदम नगणण्य हुई थी इसका विकास एकदम नगण्य हुआ था इस कारण से जो है जहांगीर के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का विश्राम काल भी कहते हैं वहीं इसके शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी उसका बहुत ही अधिक विकास हुआ था जिस कारण से जो मुगल आ, आ, मतलब जो जहांगीर था इसके शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं तो इसके बारे में आपको याद रखना है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वहीं अस्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था तो अस्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है हम कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी जीवन कथा लिखी आपसे पूछा जा रहा है तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी है जिसका नाम है अकबर नामा तो इसके बारे में आपको याद रखना है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपने दैन दीनी यानी कि डायरी में दिया है तो इस मुगल शासक का नाम है बाबर तो ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा बाबर शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है आपसे पूछा जा रहा है इसमें से तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है उसका प्रशासनिक सुधार यानी कि ऑप्शन जो आपका सी यहां पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा उसका जो प्रशासनिक सुधार था शेर शाह सूरी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा सुधार किए गए थे प्रशासनिक सुधार किए गए थे इसी कारण से जो है शेर शाह सूरी को जो है महान प्रशासक भी कहा जाता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा तो शेर शाह सूरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था तो, तो थे इसका वास्तविक नाम था फरीद खान आप याद देखिएगा इसका जो नाम था वह था फरीद खां फरीद खां जो है इसका नाम था तथा यह लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी करता था तथा जो लोहानी शासक बहार खां था इसने जो है इसे शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा जो शेर शाह सूरी था इसने हुमायूं को पराजित कर कुछ समय के लिए अफगान सत्ता की स्थापना पुनः कर दी थी भारत में तो इसके बारे में आपको याद रखना है मैंने आपको बता मतलब दो युद्ध हुए थे और हमायूँ और शेरशाह सूरी के मध्य पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध मैं आपको बताता हूँ चौसा का युद्ध कब तो युद हुआ था तो पंद्रह में आपका चौसा का युद्ध हुआ था किसके हुमायूं और आपके शेर शाह सूरी के मध्य जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजित होती पराजय होती है चौसा के युद्ध में फिर इसके बाद एक और युद्ध होता है अगले साल 1540 में 1540 में युद्ध होता है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही हैं या तो कन्नौज कह लीजिए या तो बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए या आपके 1540 में होता है शेर सासुरी और हुमायूं के मध्य तथा इस बिलग्राम के युद्ध में या इस कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं था उसकी बुरी तरह से एकदम बुरी तरह से पराजित हो जाता है हुमायूं और अपनी जान बचाकर या ईरान की तरफ भाग जाता है और इसी युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी जो था उसके द्वारा कुछ समय के लिए अफगान राज्य की स्थापना कर दी जाती है तथा जो शेर शाह सूरी था यह 1540 से लेकर 1545 सौ ईस्वी तक की शासन कर पाता है क्योंकि इसकी जो है मृत्यु 1545 सौ ईस्वी में ही हो जाती है शेरशाह सूरी की तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा इसका जो मृत्यु थी 1545 ईस्वी में हो जाती है तो इसके बारे में आप याद देखिएगा इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया यहाँ पे और नामा किसके द्वारा लिखा गया है हमायू नामा का लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हमायूं नामा किसने लिखा है आपको बताना है तो हमायू नामा किसके द्वारा लिखा गया तो गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हमायूं नामा लिखा गया तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है गुलबदन बेगम अकबर के शासनकाल में मा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था तो वह किस नाम से जाना जाता है जो अनुवाद फारसी भाषा में महाभारत का किया गया था तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद था इसको हम रज रज्मनामा के नाम से जानते हैं नामा इस प्रकार से लिखा जाएगा रज्म नामा आपका रजमामा तो यह जो है फ़ारसी भाषा में अनुवाद था किसका तो महाभारत का किसके द्वारा किया गया था तो, तो फैजी के द्वारा किया गया था फैजी के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा किया गया था और इसका अनुवाद जो है बस इतना याद रखिएगा रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है तो इसके बारे में आप याद देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था सैयद भाइयों को गिराने में किस मुग़ल सम्राट का हाथ था आपसे पूछा जा रहा है तो किसका हाथ था सैयद साय, भाइयों को गिराने में तो सैयद भाइयों को गिराने में किसका हाथ था तो मोहम्मद शाह का हाथ था यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा मोहम्मद शाह जो था यह आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक था यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो कमजोर शासक आए थे और मुगल सम्राट के उनमें से एक था आपका मोहम्मद शाह इसी के द्वारा जो है सैयद बंधुओं को जो है गिराया गया था उनके मतलब उनकी सत्ता को उनके वर्चर्स को कम किया गया था तो आप इसे याद कर लीजिएगा तथा मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से भी जाना जाता है इसको हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते थे इसके बारे में आपको याद रखना है जब हम लेटर मुग़ल एरा पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे सिर्फ इतना ही पढ़िए कि जो सैयद बंधु थे इस सैयद बंधुओं का नाम क्या था कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जो सैयद बंधु थे इनका क्या नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली इन दोनों को जो है सैयद बंधुओं के नाम से जाना था, था। ये जो उस समय थे जब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उसमें ये सत्ता को उलट सत्ता में उलट फेर करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे जिसको चाहिए राजा बना देते जिसको जिसको राजा के पद से गिरा सकते थे उस समय इनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था सैयद बंधुओं का तो इन्हीं सैयद बंधुओं को जो है बाद में इनके वर्चस्व में कमी कर दी गई थी इनके इनको जो है मार दिया मरवा दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा तो इसके बारे में आपको याद रखना है मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से भी जानते हैं रंगीला बादशाह भी इसको कहा जाता है मोहम्मद शाह को यह आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक था मोहम्मद शाह तो इसके बारे में आप याद देखिएगा इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था आपसे पूछा जा रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो बहादुर शाह द्वितीय जिसको हम जफर के नाम से भी जानते हैं यह आपका अंतिम मुगल सम्राट था ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा बहादुर जानते हैं तो है। है साथ देने के लिए इसको जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो जाती है बहादुर शाह जफर की तथा यह अंतिम मुगल बादशाह था अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था तो टोडरमल हो जाएगा आंसर ऑप्शन आपका पे हाँ बिल्कुल सही है। है टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था तो इसके बारे में भी आपको याद है। उपासना भवन या गृह का क्या नाम था तो अकबर द्वारा बनवाए उपासना गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था दीवा इबादत खाना यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा इबादत खाना अगला प्रश्न सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे तो मैंने नवरत्न जो आपको बताया है ना नवरत्न जो थे किन नवरत्नों में से दो ये भी थे तानसेन और बैजू सॉरी बैजू बावरा नवरत्नों में नहीं था आपका जो तानसेन था यह सिर्फ नवरत्नों में था और बैजू बावरा उस समय रहता था तथा तो इसका जो यह किसके शासनकाल से संबंधित था तो बैजू बावरा और तानसेन ये आपके संबंधित हो जाएंगे किसके शासनकाल से तो आप याद कर लीजिएगा ये दोनों का संबंध हो जाएगा अकबर के शासनकाल से ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है तथा अकबर के शासनकाल में जो तानसेन था उस समय नवरत्नों में से एक था तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा बैजू बावरा भी उस समय था जो काफ़ी विख्यात था अकबर के शासनकाल से संबंधित बैजू बावरा भी है इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है प्रश्न रामचरित मानस मानस के लेखक जो है तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे तो रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ना ऑप्शन जो आपका डी वाला दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा अकबर के शासनकाल से अगला प्रश्न आपके सामने है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की तो इस युद्ध का क्या नाम है खानवा का युद्ध खानवा के युद्ध में जीतने के बाद जो है जो बाबर था इसने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया था तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था और युद्ध जीतने के उपरांत जो है गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि को भी ग्रहण किया गया था बाबर के द्वारा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा खानवा का युद्ध अब यहाँ पे खानवा के युद्ध की बात हो रही है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था बाबर के द्वारा भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे जिनमें से मैंने एक युद्ध तो आपको बता ही दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध जिसके साथ ही जो बाबर था इसने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की फिर इसके बाद अन्य युद्ध भी लड़े जाते हैं जैसे बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है तो खानवा का जो युद्ध था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ पंद्रह ईस्वी में तो इसके बारे में आपको याद रखना है और इसके बाद मेदिनी राय के साथ बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया पंद्रह में चंदेरी का युद्ध चंदेरी का जो युद्ध था यह पंद्रह सौ ईस्वी में हुआ मेदिनी राय और बाबर के मध्य इसके बाद अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध भी लड़ता है घाघरा का युद्ध होता है घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य होता है पंद्रह ईस्वी तो में तो ये सारे युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए थे खानवा का युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य था खानवा का युद्ध तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध मेदिनी आ, मेदिनी राय और बाबर के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध पंद्रह में और अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध हुआ था पंद्रह सौ ईस्वी में बाबर का तो ये इम्पोर्टेंट युद्ध थे जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे इनको आपको याद रखना है इसके बाद जो बाबर था इसकी मृत्यु कब होती है 1530 में जो है बाबर की मृत्यु होती है और बाबर को कहाँ पर दफनाया गया है तो बाबर को काबुल में दफनाया गया है तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम, तो नाम है तुजुक ए बाबरी तो इसके बारे में आपको याद रखना है बाबर जो है इसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी तो इसके बारे में आपको याद रखना है जिसको हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं यह आत्मकथा है किसकी बाबर की तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया तो यह फैक्ट आपको याद रखना है अगला प्रश्न आपके सामने है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका है खानवा का युद्ध कब हुआ था खानवा का युद्ध तो आपका पंद्रह में अगला प्रश्न आपके सामने है बाबर मूल रूप से कहां का शासक था आपसे पूछा जा रहा बाबर मूल रूप से कहां का शासक था तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा फरगना का बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं थे कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने इसमें से आमंत्रित नहीं किया था आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें से जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था इसने जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था बाकी के तीनों जो है इनका हाथ था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में तो इनमें से कौन कौन था तो इनमें से पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी हो जाएगा इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी हो जाएगा और इसके बाद मेवाड़ का शासक राणा सांगा इन तीनों ने जो है बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए तो इसके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने हो जाएगा किस किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा शाहजहाँ शाहजहाँ जो था इसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे शाहजहाँ ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे शाहजहाँ के बारे में आइए कुछ बात कर लेते हैं शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था इसको हम किस नाम से जानते हैं तो शाहजहाँ का शासन का काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि इसके शासन काल में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी जैसे कौन कौन सी इमारतें तो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला हो गया और जामा मस्जिद हो गई दिल्ली की आगरा की मोती मस्जिद हो गई इन सभी का जो निर्माण है यह शाहजहाँ के शासनकाल में ही किया जाता किया गया था जिस कारण से शाहजहाँ के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहते हैं तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण है तथा तो जो मयूर सिंहासन था जिसको हम तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था तथा शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था तो जो शाहजहाँ था इसने पन, 1627 से लेकर सोलह ईस्वी तक शासन किया था तो इसके बारे में आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था आपसे पूछा जा रहा है अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था तो अकबर का संरक्षक कौन था यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अकबर का जो संरक्षक था इसका नाम था बैरम खां ऑप्शन आपका जो डी वाला पे दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा बैरम खां जो था यह अकबर का संरक्षक था तो इसके बारे में आपको याद रखना है पंद्रह से लेके 1560 सौ ईस्वी तक जो अकबर था वह बैरम खां के संरक्षण में था तो इसके बारे में आपको याद रखना है ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अकबर का शासनकाल मैंने आपको बताया था पंद्रह से लेके सोलह सौ ईस्वी तक जो है अकबर शासन करता है इसके बारे में आपको याद रखना है तथा तो यह जो बैरम खां था बैरम खां और बैरम खां जो था यह अकबर का वकील भी था और इसके अलावा बैरम खां का एक बेटा भी था जो अकबर के नवरत्नों में से एक था उसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना तो अब्दुल रहीम खान ए खाना जो था यह बैरम खां का पुत्र था तथा यह नवरत्नों में से एक था अकबर के तो इसके बारे में आपको याद रखना है और निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी इसमें से कौन से स्थान पर नादिर शाह के द्वारा चढ़ाई नहीं की गई थी आपको बताना है तो दिए गए ऑप्शन में से नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी तो इसमें से कन्नौज पर जो है चढ़ाई नहीं की गई थी नादिर शाह के द्वारा तो ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न है किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पा, बहता पानी हो के निर्माण के परंपरा की शुरुआत की थी तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबर ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है बाबर के द्वारा जो है ऐसे बाग बगीचों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की गई जिसमें बहता पानी हो तो इसके बारे में आपको याद रखना है ऑप्शन जो आपका ए वाला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा बाबर तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी आत्मकथा है तो तुजुक ए बाबरी जो मैंने आपको बताया था जिसको हम बाबर नामा के नाम से जानते हैं या एक आत्मकथा है किसकी है तो बाबर की यह आत्मकथा है तथा तो तो किस भाषा में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी आपसे पूछा जाए राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी तो राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी तो महेश दास को दी गई थी आप इसे याद कर लीजिएगा महेश दास को जो है राजा बिरबल की उपाधि दी गई थी ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा बिरबल जो था यह अकबर के नवरत्नों में से एक था जिसका वास्तविक नाम महेश दास था तो इसके बारे में आपको याद रखना है। है। अगला प्रश्न आपके सामने औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया था इसका कारण क्या था आपसे पूछा जा रहा है तो दिए गए ऑप्शंस में से इसका कारण हो जाएगा उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा सही हो जाएगा निरंतर तो औरंगजेब ने जो है अपने शासनकाल में लगातार युद्ध किए थे जिस कारण से यह ज़्यादातर भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया था तो सोलह से सोलह से लेकर सत्रह ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने शासन किया था इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है इसके बारे में आपको याद रखना है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है तथा औरंगजेब का जो है दो बार राज्याभिषेक हुआ था सिंहा जो इसका राज्याभिषेक था या दो बार हुआ था तो इसके बारे में बस इतना याद रखिए आप बाकी के जो भी प्रश्न बनेंगे औरंगजेब से रिलेटेड उनको हम आगे हम डिस्कस कर लेंगे और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप जो औरंगजेब था इसने सिखों के जो नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर उनकी दिल्ली में हत्या भी करवा दी थी सोलह ईस्वी में तो इसके बारे में आपको याद रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जो है औरंगजेब ने बीवी का मकबरा भी बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में तो इसके बारे में आपको याद रखना है तथा औरंगजेब के समय जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या भी सबसे अधिक थी इसके अलावा जो औरंगजेब था यह एक वाद्य यंत्र बजा बजाता था जिसका नाम था वीणा तो वीणा जो है बहुत अच्छा बजाता था औरंगजेब तो इसके बारे में आपको याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो वीणा जो है औरंगजेब काफी अच्छा बजाता था और सोलह सात ईस्वी में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है किस मुगल शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने आपको अभी बताया है दो बार राज्याभिषेक किसका होता है तो औरंगजेब का होता है ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा औरंगजेब का दो बार राजाभिषेक होता है पहला इसका राज्याभिषेक होता है सोलह ईस्वी में और दूसरा इसका राज्याभिषेक होता है सोलह ईस्वी में तो इसके बारे में आपको याद रखना है अगला प्रश्न है सूरी का मकबरा कहां स्थित है तो शेर सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में मिलेगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो अकबर का जो राज्याभिषेक था यह कला नौर पंजाब में हुआ था तो आप इसे याद कर लीजिएगा कला नौर पंजाब में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था सोलह ईस्वी में तो ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कला नौर पंजाब में आपको मिलेगा यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो इस तरह से पार्ट वन जो था मुगल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट एम का उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इसका पार्ट टू हम जल्दी अपलोड करेंगे तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू